हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं ना, वो एक दूसरे को कंपटीशन करने के लिए मार्केट में बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च कर देती है। और इसी तरह आप टाटा मोटर्स भी अपनी कारों के फेसलिफ्ट वर्जन, लाइक जो इनकी एसयूवी आती है नेक्सॉन हैरियर और टाटा सफारी को अपडेट वर्जन यानी कि इनका फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। लेकिन आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो टाटा सफारी होगी उसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, अगर टाटा सफारी फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर की बात करें तो देखिए, पिछले समय में इसके कुछ स्पाई शॉट सामने आए थे जहां पर इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन सामने मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि जो टाटा सफारी फेसलिफ्ट का ईवी वर्जन है उसको 2023 में ऑटो एक्सपो में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां से काफी सारे डिजाइनिंग एलिमेंट्स वहां पर जो अब नए टाटा सफारी फेसलिफ्ट आएगी ना उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अगर बात करें इसके फ्रंट डिजाइन की तो देखिए, इसमें आपको फ्रंट प्रोफाइल काफी अपडेट देखने को मिलेगी, जहां पर इसमें आपको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प और फुल विड्थ एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिलेगी, जो कि अराउंड द बोनट आपको रन करती हुई दिखाई देगी, जो कि काफी अच्छा लुक इसे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इसमें आपको एक नई स्लेटेड ग्रिल देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इसमें नए डिजाइन के एलईडी हेडलाइट्स यहां पर इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि देखने में काफी अच्छे होंगे। इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसके साइड एलिमेंट, बाकी जो साइड में डिजाइन रहने वाला है, वो आपको सेम ही जो फिलहाल आपको टाटा सफारी में देखने को मिलता है उसमें सेम वैसा ही इसको रखा जाएगा। इसके अलावा अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही कि आजकल हर गाड़ी में जो रियर में जो उसका टेल लैंप आता है ना, वो अक्रॉस द बोनट, मतलब जो अक्रॉस द उस टेल गेट है ना, वो रन करता हुआ दिखाई देता है। तो सेम इसी तरह ही आपको यहां पर भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसमें आपको जो बंपर है ना, वो आपको नया डिजाइन का बंपर यहां पर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर डिजाइन की बात हो ही रही है तो इसके एक्सटीरियर के साथ साथ इसके इंटीरियर में भी काफी सारे बदलाव देखने की उम्मीद इसमें की जा रही है, जहां पर इसमें आपको एक ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक नया डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है और साथ ही साथ इसमें सेंट्रल कंसोल में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ एक नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो देखिए, जो टाटा सफारी फिलहाल आती है ना, उसमें तो आपको एक 2 लीटर का टर्बो डीजल पेट्रोल देखने को मिलता है और इसी इंजन को भी इसमें जो नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट आएगी ना, उसमें भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये इंजन है ना 170 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको एक नया 1.5 लीटर का 4-star टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है, जो कि 170 BHP की पावर और 280 Nm का टॉर्क जो है ये जनरेट करेगा। इसके अलावा इसमें आपको डुअल क्लच ऑटोमेटिक या फिर 6-speed टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में अगर बात करें इसकी लॉन्च की तो देखिए, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नए टाटा सफारी फेसलिफ्ट को इस साल के एंड तक, यानी कि अगले साल, या तो इस साल के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं वो 16 लाख रुपये से लेकर 26 लाख रुपये के बीच हो सकते हैं। और जहां तक बात है इस कार की कंपटीशन का, तो देखिए इसका कंपटीशन जो आपको पता ही है कि MG Hector Plus, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar जैसी कारों से होगा। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।